है चंदन, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी हम क्लास में यूज कर सकते हैं हमारे पढ़ाने को और हमारे पढ़ हम जो पढ़ा रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हम जो भी चीजें यूज कर सकते करते हैं वो मेरे लिए टीएलएम है। बहुत ही सरल बात आपने रखी विदिशा कि पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के कार्य में जो भी सामग्री हम उपयोग में ले रहे हैं वो ही टीएलएम होगा, वो ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, वो ही टीचिंग लर्निंग एड होगा। अगर इसकी परिभाषा को देखें, बच्ची कुछ खेल रही है या फिर आपकी जो पिक्चर डिक्शनरी है या फिर मेरे जो भिन्न कार्ड्स हैं उनके अलग अलग उद्देश्य हैं और मेजर उद्देश्य क्या है, सीखने सिखाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है ये, मैं सीखने सिखाने के कार्य में इसका उपयोग कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से, वो ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है और इसको ब्रॉडर वे में टीचिंग लर्निंग एड भी कहा जाता है। विदिशा, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि हाँ जी ठीक है ये सब होता है लेकिन इसको देख के पसीने छूटते हैं कि ये सब बनाएंगे कौन, बनाएगा कैसे? यानी मैंने आपसे कहा था कि वो जो आपने कल मेरे को गाय या बकरी दी थी वो मेरे जैसा बनाता तो वो बच्चों को शेर भी लग जाता, हो सकता है। और फ्रैक्शंस, अगर इन फ्रैक्शन कार्ड्स को देखूं तो ये बनेंगे कैसे, ये सवारे सारे सवाल हमारे साथियों के मन में होंगे। जी इसको और सुलझाने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले टीएलएम कहेंगे किसे? जी विदिशा, तो चंदन, इसमें मुझे एक चीज ये लगती है कि हम शायद टीएलएम से ज्यादा थोड़ा सा हेजिटेशन भी है, थोड़ा डर भी है कि शायद उसमें कई सारी तरह के अप्रिहेंशन है कि रोज रोज टीएलएम बनाना है, हर प्लान के लिए टीएलएम बनाना है। कुछ अप्रिहेंशन हमारे ये भी है कि हम ये शायद बहुत महंगे आते हैं जी या हर, क्योंकि हम सब अलग अलग जगह में रहते हैं चंदन, तो हमेशा हर चीज हर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो क्या इसमें बहुत सारी सामग्री का यूज होगा? तो ये मुझे लग रहा है ये कुछ बातें सारे टीएलएम के चिंताएं लिए। हैं, ये चिंताएं हैं कि अरे मैं क्या हर क्लास में नया टीएलएम जब टीएलएम बनाऊंगा ये कैसे पॉसिबल होगा, और टीएलएम बनाने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे भाई, ये कैसे होगा, विद्यालय स्कूल अथॉरिटीज से मुझे कितना कुछ मिलेगा। तो ये सारी जितनी भी चिंताएं हैं उन चिंताओं पे आज मैं और विदिशा आप सभी से बात करेंगे। तो सबसे पहले विदिशा मैं आपसे बात करूंगा कि कोई भी शिक्षण के कार्य में सीखने सिखाने के कार्य में मैं कुछ, ठीक है मेरे पास कुछ चीजें हैं क्लास में, मेरे पास बोर्ड है, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास चौक है, वो मेरे स्थाई, ये मेरे पास हमेशा रहते हैं, लेकिन उसके 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 अलग मैं क्या कोशिश करता हूं कि मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगा कि बनाई कोई भी अलग से बनाई गई सामग्री जो कि सीखने सिखाने के प्रयास में मेरी मदद कर पाए वो ही टीएलएम होगा, एक अगर मैं परिभाषा जड़ू तो। विदिशा, बिल्कुल, जो चीज हम बना सकते हैं चंदन, इसमें हमको बस ये एक चीज ये भी ऐड करूंगी, कल आपने ये सवाल पूछा था मुझसे कि अगर ड्राइंग अच्छी नहीं हुई तो आप ये हमारे नीचे जो टीएलएम्स हमने पेस्ट किए हैं साथियों, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ड्राइंग की नीड नहीं है। हम प्रिंट आउट लेकर के भी किसी चीज पे चिपका सकते हैं, नीट होना चाहिए ताकि क्लासरूम में हम उसको अच्छे से, वो अच्छे से दिखे चीजें बच्चों को। आप देख रहे होंगे उस कार्ड पे एप्पल बड़े अक्षरों में लिखा है ताकि दूर से भी टीचर अगर दिखाए तो वो स्पष्ट तरह से बच्चों को दिखे दूर से भी। ये जो भिन्न का फ्रैक्शन के कार्ड है इसमें बहुत नीटली लाइंस ड्रॉ की गई है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम कोई चीज बना रहे हैं उसको लेके इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बच्चे हंसेंगे, ये अच्छा नहीं बनेगा। तो उन सब चीजों से आगे हमको ये सोचना है कि इसको हम यूज कैसे करेंगे और जी जी सबसे विदिशा, इजी तरीके से बनाए कैसे।